रेवाड़ी का नागरिक अस्पताल तो जैसे भ्रष्टाचार और आवारागर्दी का अड्डा बनकर रह गया। शनिवार रात को अस्पताल में तैनात 4 एम्बुलेंस चालक शराब के जाम छलका रहे थे, इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री उड़न दस्ते को मिल गई। सूचना मिलने पर पहुंची सीएम फ्लाइंग ने चारों एम्बुलेंस चालकों को दबोच लिया। हैरानी तो इस बात की है कि एम्बुलेंस चालक ऑन ड्यूटी थे और किसी भी वक्त कॉल आने पर इनको जाना पड़ सकता था। मिली जानकारी के अनुसार शराब के जाम छलका रहे एम्बुलेंस चालक नशे में धुत रात को ड्यूटी देते हैं, नशे में ही वे एम्बुलेंस चलाते हैं। वहीं एक अहम जानकारी ये भी सामने आई है कि शराब पीने के दौरान अगर कोई कॉल आता भी है तो ये एम्बुलेंस चालक मौके पर जाते तक नहीं, इनके चक्कर में कई लोगों को समय पर उपचार तक नहीं मिल पाता। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रेवाड़ी की टीम को एक गुप्त सूचना थी कि कई दफ़ा जो एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, जो सामान्य हॉस्पिटल में, जो सिविल हॉस्पिटल में, जो डायल 112 के जो इमरजेंसी पे जो काम आते हैं रात को, जो ड्राइवर्स, वो कई बार शराब का सेवन करते हैं। आज जब रात को करीब 10 बजे तो स्थानीय पुलिस और सीएम फ्लाइंग की टीम ने जब औचक निरीक्षण किया तो वहाँ पाया गया कि 4 लोग वहाँ पर शराब पी रहे थे, जिनमें से 3 ड्राइवर जो एम्बुलेंस के थे ऐसे थे जिनकी आज नाइट में ड्यूटी थी, एक था जिसकी दिन में ड्यूटी है। तो उन सबको काबू किया गया है और उनका मेडिकल के लिए स्थानीय जो चौकी इंचार्ज साहब हैं को कलगेट चौकी के उनको हवाले किया गया है और उन्हें टेस्ट करवाया है उनका। तो उनमें डॉक्टर साहब ने अल्कोहल स्मेल प्रेजेंट जो है वो लिख के दिया है, साथ में उनका ब्लड सैंपल भी लिया गया है। उच्च अधिकारियों को इसमें नियमानुसार कार्यवाही के लिए भेजा जाएगा क्योंकि ये बड़ा ही गंभीर विषय है। एक व्यक्ति जो बीमार है और वो इमरजेंसी में उसको रेफर किया जाता है और ये डॉक्टर, ये इस तरह के ड्राइवर्स अगर उस समय शराब पिए हुए हैं या नशे में हैं तो वो कुछ भी घातक हो सकता है किसी के लिए भी।